मेरे पास वीडियो में है, वीडियो में है मेरे पास, मेरे पास वीडियो में है। डिपर भैया वहाँ पे गोल, जहाँ पे गोल था वहाँ तो रुक सकते थे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम चोपटा पहुंच तो नहीं पाए थे, 3-4 किलोमीटर पहले तक हम रुक गए थे। यहाँ पे हमने गाड़ी को मैनुअल में डाल दिया है और पहली गियर पे हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन कर दिया है। 4 हाई पे ही रखा है, वैसे 4 हाई की उतनी जरूरत है नहीं, जस्ट इन केस। जैसे अभी 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 अभी, अरे रे, ये पंगा है। तो गाड़ी एक्चुअली बहुत भारी है ना, और स्नो बहुत ज्यादा, तो बहुत ही कॉशियसली चलाना पड़ रहा है। एक हाथ में कैमरा है, मनी भी उधर रिकॉर्ड कर रहा है। मनी, ऑल गुड? ऑल गुड, ऑल गुड। मजेदार, बहुत मजेदार रहा भाई। मतलब इतनी स्नो, 4-4 फीट, 5-5 फीट तक स्नो थी आगे, इसलिए हम गए नहीं क्योंकि आगे लोकल से हमें मना कर दिया। जो हमारी गाड़ी रेस्क्यू की उस अंकल बहुत स्वीट थे, तो हम उनके पास चाय पिए और थोड़ा सा उनको हेल्प करने की कोशिश की, तो अंकल भी बहुत खुश हो गए। तो अब क्या है ना कि 3-4 दिन बाद ये रोड सारे खुल जाएंगे, क्योंकि जेसीबी धीरे धीरे करके काम कर रही है। 3-4 दिन बाद ये रोड जब खुल जाएंगे ना, फिर तो चोपटा तक आराम से आप आ सकते हो। बर्फ पता नहीं तक इतनी रहेगी कि नहीं रहेगी, बट ये ड्राइव अपना बर्फ को लेके ही था कि बर्फ में गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है। और ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब हर जगह व्हाइट और ब्लैक गाड़ी, भाई साहब जहर भाई, एक नंबर गाड़ी, मतलब एक नंबर गाड़ी। देखो गाड़ी ऐसा नहीं है कि भगवान है आपको 10 फीट स्नो है उसमें घुसा के एकदम तितर बितर कर देगी, ऐसा नहीं करेगी। बट जो इसने परफॉर्म किया, मतलब 3 दिन में, तीसरा दिन है हमारी गाड़ी पहली है, इसको लगा दिया जी हमने सेकंड गियर पे। मैनुअल पे चला रहे फिलहाल अभी, तो मैनुअल पे इसलिए क्योंकि डाउनहिल जा रहे ना, तो अपने हाथ में कंट्रोल है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी है तो अपने हाथ में कंट्रोल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल डिसेंट कंट्रोल लगाया हुआ है, तो गाड़ी धीरे धीरे करके अपने हिसाब से ब्रेक मार रही है। और फर्स्ट और सेकंड गियर पे अपन ने, जैसे अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट गियर डाल दिया वापस से, क्योंकि हमारी स्पीड कम हुई है और हिल डिसेंट कंट्रोल भी अच्छा काम कर रहा है। बट होता क्या है ना कि अगर ब्लैक आइस पे आपने ब्रेक मारा ना, तो फिर गाड़ी रपटते हुए चली जाएगी, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, और गाड़ी का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसी बाबा फिजिक्स पढ़े हैं, हां इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, यूट्यूब पे अभी आए हैं, इंजीनियरिंग करके एमबीए फिर बैंक में। तुम साले 3 इडियट्स वाला बता रहे, हम समझ गए तुमको। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, थार के साथ साथ भाई का भी मेहनत है। बोलो भाई का। अरे एकदम एकदम। और ये व्यू देखिए, क्या स्नो है भाई साहब, क्या स्नो है। ऑल्दो जेसीबी ने अपना काम कर दिया है, बाकी काम तो भाई थार करेगा। ये पक्का ब्लैक आइस है, पूरा पूरा ब्लैक आइस है। अगर आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी तो सीधा भितरामपुर का रास्ता पकड़ लेगी भाई। चलते चलते इसको भी जो है पाला मार दिया है। आइए आपको दिखाते हैं गोप्रो को पाला मार दिया। पीछे का व्यू दिखाइएगा सर, पीछे का व्यू। आप बाबा ने बोला पीछे का व्यू, तो पहले आपको दिखा दे, लटकना पड़ेगा थोड़ा, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये पीछे का टायर है, ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है, लाल लाल रंग आपको दिख रहा होगा, और ये रहा पीछे का व्यू। मनी, लाल रंग ज्यादा अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा गंदा होने की जरूरत थी, उसके बाद तो एकदम ताबड़ तोड़ लग रहा है भाई। ये देखो जेसीबी ने जो बर्फ हटाया है रोड से, काफी काफी अच्छा हटाया। जेसीबी बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि जेसीबी अगर नहीं रहना भाई तो स्नो में लग जाएगा लंका, श्रीलंका। सामने हमें जेसीबी दिखती हुई, हमें लग रहा था कि जेसीबी काम करके चली गई, बट जेसीबी अभी भी अपना काम कर रही है। काफी जो टर्न्स है ना, जो डेंजरस टर्न्स है, जैसे ये भी डेंजरस ही है, तो आपका इनपुट कुछ जा रहा है स्टेयरिंग को और गाड़ी कहीं और जा रही है। तो जेसीबी जब तक साफ करेगी तब तक तो अपने को वेट करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। क्लाउड्स देख रहे हो यार, गजब सुंदर लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है किसी और ही दुनिया में आ गए ना। कोई नहीं है यहाँ हमारे अलावा एक्सेप्ट द जेसीबी, बिकॉज जेसीबी ये रोड क्लियर करते हुए नीचे आएगी। ये रोड तो क्लियर नहीं की है फिलहाल जेसीबी ने। देख रहे हो कहाँ स्कूटी है भाई? भैया वो रहा स्कूटी सामने यहाँ पे, कहाँ है स्कूटी? अच्छा वो कह रहे स्कूटी का है भाई, सही में नहीं पता चल रहा है स्कूटी का है, दिख रहा है। और यहाँ पे हमने सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया था, यहीं पे एग्जैक्टली हमने गाड़ी लगाई थी, थोड़ा पीछे करके लगाया था, तो अब तो ज्यादा बर्फ नहीं मिलनी चाहिए। हेलो भैया, कैसे आप? बढ़िया जी, कहाँ पहुँचे? अरे बहुत ऊपर तक हम लोग, कहाँ? बानिया कुंड।
हाँ वहाँ के ऊपर तो गाड़ी फंस गई। ये हमें रास्ता गाइड कर रहा है क्या? ये देखो आगे मस्त हाथी की तरह चल रहा है छोटू। तो भैया कह रहे हैं आगे बर्थ नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 हाई पे चल रहे थे, इसको हम डाल देंगे जी 2 हाई पे। और हमें डीजल लेना पड़ेगा क्योंकि डीजल अपना कम है, ये तो दिखा रहा है टायर का डायरेक्शन। अब ड्राइव पे डाल दिया। तो आज का अपना प्लान क्या है ना, वो सीरियसली अपने को पता नहीं है क्योंकि दिन भर तो हमने बर्फ में एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया भाई। ठंड भी लगी, पैर भी गीला हुआ, लेकिन मजा बहुत आ रहा था, बहुत आ रहा था। फिलहाल तक तो आई थिंक अनदर 5 किलोमीटर, उसके बाद बर्फ पूरी खत्म हो जाएगी। आज कहाँ जाएंगे बाबा, कहाँ कहाँ चला जाए? चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। वैसे औली साइड जाने की इच्छा है, रुद्रप्रयाग से होते हुए। ये वाला रास्ता तो बंद हो गया आगे। हाँ ये वाला रास्ता तो आगे बंद है, रुद्रप्रयाग से और एक रास्ता है उधर चलेंगे। बाकी देखो यार धूप कितनी अच्छी लग रही है ना, फुटेजेस कितने क्लियर आ रहे हैं यार, धूप में तो अलग ही बात हो जाती है ना भाई। और अंदर से बैठ के जो आपको फील आती है ना, मतलब आपको बोलो तो आपको जो आप टीवी पे देख रहे हो, आपको ऐसा फील आता है भैया आप ड्राइविंग सीट पे हो। तो यार वो वाली हम फील चाहते भी हैं, हम चाहते भी क्या हाँ। आपको वो ना फील दिलाए कि आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो। एग्जैक्टली। तो जी अरे एपी ढिल्लन, तो यहाँ पे हमने ना 2 डेस्टिनेशन लगाया, सबसे पहले रुद्रप्रयाग और उसके बाद वहां से औली। तो रुद्रप्रयाग पहुंचने में तो हमें 5:30 बज जाएंगे, उसके बाद औली, औली देखेंगे, औली आएगी तब आएगी। ये सामने गए, हाँ हाँ भाई कोई भरोसा नहीं है, मतलब इतना ज्यादा स्लिपरी है ना, पूरा ब्लैक आइस है, पूरा का पूरा ब्लैक आइस है। तो गाड़ियां तो भाई स्किड करेंगी, और ये सबसे ज्यादा टेंशन है बिकॉज आप अपनी गाड़ी का कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाली अगर 2 व्हील ड्राइव है तो वो तो भैया पूरे फुल मोमेंटम के साथ आके आपको मारेगी। मैंने भी अपना 4 हाई डाल लिया वापस से, मैंने कहा अगर बाई चांस उतारना पड़े तो ऐसा नहीं कि हमारी भी स्किड करे, क्योंकि स्किड जब करती है ना तो एक दूसरे के साइड, मतलब एक साइड या दूसरे साइड भागती है गाड़ी। बर्फ का मंजर खत्म हो गया है और अब हम बढ़ रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। तो प्लान ये है कि देखो औली तो आज नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा बर्फ है, और ऐसा नहीं चाहते कि भैया हम रात में कहीं फंस जाए ऐसी जगह पे जहां हमें कोई रेस्क्यू ना कर पाए। तो बर्फ से ज्यादा खिलवाड़ नहीं करते हुए अपने को जहां भी जगह मिलेगा ना वहां से अपन औली के लिए कट लेंगे, और रास्ते में कोई डिसेंट सा होटल देख के सो जाएंगे। तो कल जिस ठंड में हम सोए ना भाई साहब, पाला मार दिया था। तो अच्छा है यार बहुत सारी गाड़ी, अरे पेट टूट रहा है यार। ये भी एक टेंशन ही है भाई, पेड़ पे इतनी ज्यादा बर्फ हो जाती है ना कि पेड़ के डाली पूरे टूट के गिर जाएगा, गाड़ी पे गिर गया तो समझो भैया टनों टन की गाड़ी खराब। बाबा कार्रवाई कर ले, कार्रवाई कर ले। तो यहाँ पे हम रुके कार्रवाई करने, अरे यार साला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या टच, कभी कभी होता नहीं है थोड़ा थोड़ा करंट लगता है भाई। यहाँ पे नीचे नदी भी बह रही है, अच्छी धूप निकली हुई है ना, तो एक जैकेट में अपना काम हो जा रहा है, बस एक पतला सा जैकेट डाला है, अंदर हीटर ऑन किया है। यहाँ देखो नीचे नदी बह रही है, दिखाता हूँ, ये देखो ये नीचे दिख रही है, ये वाली अब तो दिख रही होगी, नहीं अब तो दिख रही होगी। बाबा तुम तो बैठी गए भाई, कार्रवाई नहीं करना है फुटेजेस के लिए। देखो बर्फ बर्फ साफ किया जा रहा है, तो बेसिकली उधर जो कीचड़ वीचड़ लगा ना वो साफ कर रहा है भाई। बाकी मैंने शूज चेंज कर लिए, अपने बूट्स इसके अंदर रख दिए, तो भैया इस बूट्स को पीछे रख दो क्योंकि ये कल काम आने वाले, ऐसा नहीं है भैया स्नो यहीं पे खत्म हो रहा है, स्नो आपको सीरीज में और देखने को मिलेगा। चलो आ जाओ बाबा। अच्छा अरे अभी तुरंत गंदा हो जाएगा, अब कहाँ बर्फ मिल रहा है तुम्हें, अरे डस्ट तो मिलेगा, अरे डस्ट तो ऐसे भी मिलेगा, फोटो अच्छा आना चाहिए भाई। अरे देखा मेहनती लड़का मेहनती, देखो अपना एक ही मकसद है फोटो अच्छा, हमारे लाइफ का एक ही मकसद है बदला। ये यहाँ से पत्थर गिरने वाले जोन है, देखो कितने पत्थर गिरे हुए यहाँ पे, हाँ पूरा एकदम मतलब लैंडस्लाइड का इतना खतरा रहता है ना यार पहाड़ों पे, कोई पत्थर कभी भी गिर सकता है भाई, एक दूसरे से टिके हुए हैं बस। बाकी चमोली का डिस्टेंस 71 किलोमीटर है। ओए भैया ओ भैया ओ भैया हम साइड कर लेंगे भैया, हम साइड कर लेंगे या बुल्ला दीवाना। तो जी ओखी मठ पहुंच गए अपन, अब कल जब हम आ रहे थे तो हमें कहा गया था कि ओखी मठ तक बर्फ आ गई, लेकिन ओखी मठ से थोड़ा ऊपर थी, मतलब 10-15-20 किलोमीटर ऊपर हमें जाके बर्फ मिलनी स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना है,
अब जब तक रुद्रप्रयाग नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक रास्ते ऐसे ही पतले रहने वाले हैं। बाकी यहाँ भी ऐसा कुछ माड़ा रोड नहीं है, बस यही है कि अगर सामने गाड़ी रहती है तो ओवरटेक करना एक चैलेंज है, क्योंकि सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं। सिविलाइजेशन देख के कितना अच्छा लग रहा है ना भाई। बहुत दिन से ना सिर्फ टेंट टेंट में रह रहे थे ना। बहुत दिन से क्या, एक दिन रह लिया भाई। एक दिन भी बहुत सालों के बराबर था, दिन तो छोड़ भाई। वो रात कैसे काटी है ना हमने, सुबह जब उठे भाई, रात छोड़ो -18 यार, शाम से ही तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही है भाई। हाँ सीरियसली यार, जब तक धूप में नहीं गया ना तब तक तो लग रहा था कि भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड यार। ये तो है यार, बर्फ ना देख लो, बर्फ ना वीडियो में देखने में ना बड़ी मजेदार लगती है, फोटोग्राफ में देखने में ऐसा लगता है जैसे भैया आप स्वर्ग में ही आ गए हो भाई। जो एक्चुअल फील होती है ना वो थोड़े देर के बाद स्टार्ट होती है, जब आपको ठंड लगनी स्टार्ट, पैर वैर आपके ना ठंडे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है आए बर्फ बड़ी दुखदाई है भाई, बड़ी दुखदाई है। हर खूबसूरत चीज दुखदाई होती है भाई। साफ हो गया जूता, बर्फ में डाल के यही सब। पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं, पॉलिश का पैसा बच गया ना। ओ भैया यहाँ तो 8 PM चल रहा है, फुल 8 PM। यहाँ बियर की बोतल होगी पक्का, बियर लवर तो यहाँ जरूर कोई ना कोई मिलेगा ही। बाकी यहाँ पे रुके, मनी जूता चेंज करेगा और फिर ड्राइव करेगा। कल से मैं ही ड्राइव कर रहा था। ऑलमोस्ट सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर में, 5:30 का टाइम है। ये देखो क्लाउड्स देख रहे हो भाई साहब, क्या जबर लग रहे हैं भाई। और नदी नीचे नदी बह रही है ना, तो मैंने कहा चल एक दो फोटोग्राफ भी हो जाएंगे और तू अपना काम भी कर लेना। हाँ भाई देखो ऑल गुड, जूता साफ तो हो गया, ज्यादा देर छोड़ दोगे तो पैर भी साफ हो जाएगा ना। तो पैर साफ ही हो जाएगा एकदम, फ्रॉस्ट वाइट वाला कहानी है ना। घड़ी तो मेरा 5 बता रहा है। हाँ भाई लेकिन यहाँ 8 PM का है लिखा हुआ। अरे मैंने कहा बियर लवर भी मिलेगा, देखो गॉडफादर है भाई, गॉडफादर। मैकडॉनल्ड्स का कैसे भूल गए, नंबर 1 चॉइस। सही है सही है, तो बिस्लेरी है भाई। हाँ भाई यही है भाई, ड्रिंक कर सॉरी ड्राइव करते के टाइम पे मनी सर बिस्लेरी पीता है, थोड़ा चढ़ता है ना। तो बहुत लोगों को ना ये मिथ है कि भाई अगर आप 4x4 गाड़ी ले रहे हो ना तो मैनुअल में लो, ऑटोमेटिक में नहीं लो। इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार ऑटोमेटिक में ना मेरे को मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलता है गाड़ी का, और गाड़ी का ECU खुद डिसाइड करता है कि गियर कहाँ पे चेंज होने, जहाँ पे मुझे लो रेशियो चाहिए वहां पे मुझे छोटे गियर चाहिए, तो वो मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। बट अभी हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि भाई गाड़ी ने कहीं भी गियर सिलेक्शन गलत किया हो, या फिर RPM बढ़ रहा हो, या फिर कुछ भी। पहाड़ों पे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। यस मैनुअल में थोड़ा आपको कंट्रोल मिल जाता है, बट देन इस ऑटोमेटिक को आप मैनुअल में भी चला सकते हो। मैनुअल में शिफ्ट करके आप मैनुअल ट्रांसमिशन यूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली ऑटोमेटिक ECU डिसाइड करता है, ECU गियर चेंज करता है, क्लच नहीं रहता है बस। अदरवाइज 4x4 के मतलब 4x4 अगर आप यूज करना चाहते हो स्नो स्लश कहीं भी, तो भैया आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ड्राइव का कन्वीनियंस एक नंबर। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप थार परचेज कर रहे हो, और ये मेरी पहले एक्सपीरियंस से रेकमेंडेशन है, हो सकता है आगे चेंज भी हो जाए, बट अभी तो मेरा यही है कि अगर आप थार परचेज कर रहे हो गो फॉर ऑटोमेटिक। गजब आदमी लोग है भाई, बोले रोड पे गाड़ी अच्छा ठेका है ना, इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप, मेक स्मार्ट मूव। सही में भाई इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप है। अरे बढ़ा लो चाचा, यहीं पे बैठ के पियोगे क्या? पीछे बस खड़ा है, देख रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। अरे कौन ढचका है वे, पूरा गेट उठ से गजब उल्टी किए ना लोग, पूरा बस का एक साइड उल्टी उल्टी से रंग दिए ना। कहाँ पहुंच गए भाई? कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए रुद्रप्रयाग, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में है कहीं पे हम। और यहाँ से अपना जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 19 किलोमीटर दिखा रहा है। ये गाड़ी देखो ना, एकदम एज पे ना मनी, लिविंग ऑन द एज। गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क की है और इधर आए हम समोसे खाने। तो अंकल देखते हैं कैसे है, पहले जलेबी नहीं खाएंगे भाई? मैं नहीं खाऊंगा जलेबी, खा लूंगा थोड़ा सा चलो। और एक भाई मिल गए अभी यहाँ पे, तो इन्होंने हमें हमारी गाड़ी देख के पहचान ली। तो रेड वाला एक्चुअली वाइट नहीं ब्लैक पे रेड ना जो टायर्स पे है ना, तो वो लोग देख के पहचान रहे हैं। अरे कितना हॉर्न बजा रहे, शाम के 6 बजे भी ऐसा लग रहा है कि भैया पता नहीं आज दिन भर कितनी मजदूरी की ना हमने। बिल्कुल यार, स्नो तो टायरिंग होता ही है ना, बेलचा चलाना, इधर हटाओ उधर धक्का लगाओ, गाड़ी को धक्का लगा रहे भाई निकल जा। और एक्चुअली ठंड भी लग रही थी ना, पैरों पे ठंड लग रही है, तो प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं है।
तो मिला जुला के स्नो और स्विमिंग स्नो और स्विमिंग पूल ऐसा है बट दोनों में मजा बहुत आता है गुरु, मजा जितना आता है थोड़ा थकावट तो होगा ही भाई, होगा होगा, मजे वाले चीजों में थोड़ा थकावट हो ही जाता है। ये जीपीएस ने ना हमें सिटी के अंदर से ले आई हमें, अदरवाइज जाते वक्त हम बस सिटी के बाहर से गए थे, ये आगे जाके ना फिर वो सी हाईवे पे NH7 पे मिला देगी। पता नहीं यार क्या पंगा है, 5-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलवा लो, लेकिन कम से कम रोड तो अच्छे रहेंगे, यहाँ पे हम भी परेशान हो रहे हैं सामने से आने वाली ट्रैफिक भी परेशान हो रही है। ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई, यहाँ पे डीजल ही नहीं है सिर्फ पेट्रोल है, डीजल नहीं है। चलो यहाँ सिर्फ पेट्रोल है भाई, ऐसे पेट्रोल पंप मैंने पहली बार देखा यार कि डीजल ही नहीं है। गाड़ी के ना फॉग लाइन के अलाइनमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो मनी वो एडजस्ट करने गया है, स्नो में गई ना तो शायद ठीक है, एकदम परफेक्ट है, एकदम लाइन पे मनी, एकदम लाइन पे, बस 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 परफेक्ट परफेक्ट। तो ये देखो ये एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो ऊपर नीचे हो गया था तो अभी वो सही हो गया। तो लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यार, स्पेशली जब आप हाईवे या पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो, लाइटिंग अच्छी रहे ना तो बहुत सारे दूसरे हम नहीं चाहते यार किसी के आंख पे लगे, इसलिए कम करना नीचे करना एग्जैक्टली एक लेवल पे रहे। लो बीम पे चल रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर का लाइट है ये, हेडलाइट तो हमने ऑन ही नहीं कर रखा। अरे कहां चला गया बेल्ट, लग गया ना, चलो ये देखो क्या मस्त लाइट है ना भाई। अरे हाई भी मत करो, अच्छा सिंडिकेट किया क्या, अच्छा वाली जो ट्रक है वो रुक जाए। ओके ओके ओके, मुझे लगा भाई इसका हाई बीम ना सामने वाले को मार दो ना तो ऑटोमेटिकली बंदा ना शर्मा के अपना लो बीम कर लेता है ऐसा है। अरे रुक जाओ चाचा रुक जाओ, अरे नहीं रुकेंगे चाचा ना, घुसेड़ेंगे ही। एक मिनट मनी देख के ना, नहीं, उस साइड एकदम लग जाएगा, एकदम लग जाएगा, इसका वो फेंडर बाहर निकला रहता है। कहाँ निकला उधर, कहाँ, एकदम रोक दो गाड़ी यहाँ पर, रोक दो एकदम गाड़ी, रोक दो, इधर से तो निकलेगा नहीं, इसका बैक लो, ले लो साला, क्या है ना यार। देख रहा है फिर भी ना, मतलब और पास 2 मिनट का सब्र नहीं, वहां हम लोग रुके लेकिन कोई सब्र नहीं है भाई। देखो इसमें से कह रहा है कि भाई इसमें से निकालो, हद बेवकूफ आदमी लोग हैं यार, छोड़ दो भाई ऐसे ही रहने दो, इसको देखते किसके पास ज्यादा टाइम है ना आज। देखो वो पूरी लाइट देखी, डिपर किसका है, मेरा डिपर दिया मैंने हमने, क्या बात, मेरे पास वीडियो में है, वीडियो में है मेरे पास, मेरे पास वीडियो में है डिपर भैया, वहाँ पे गोल, जहाँ पे गोल था वहाँ तो रुक सकते थे, वीडियो का लॉजिक कुछ नहीं है, बट आप रुक सकते थे ना वहाँ पे भैया, किनारे तो रुक सकते थे, आपने डिपर नहीं देखा, आपने डिपर देखा ना, यहाँ से दो गाड़ी कैसे निकलेगी आप बताओ, एक सेंस वाली बात बताओ, आप अभी भी मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप वहाँ पे भी किनारे लगा सकते थे ना। अरे राजा आप बात नहीं है, दोनों की बात है भाई, मेरे पास बहुत टाइम है, हमारे पास सबके पास टाइम है, भाई साहब एक और कांड, ये सामने से ट्रक है, पता नहीं कौन सा रास्ता दिखा है गूगल ने अपने को ना, अब ये जब तक सामने से हटेगी नहीं गाड़ियां तब तक निकल नहीं सकती है, तो हमें पीछे करना पड़ेगा क्योंकि ट्रक को तो पीछे बोल नहीं सकते। बाकी यार वो बंदा बहुत ही बेकार था यार, मतलब मूड खराब हो गया सीरियसली, बंदा देख रहा है और साइड में ना जगह थी वहां पे जहां पे टर्न था ना वहां पे रोक सकता था, लेकिन घुसेड़ना है तब, वो मूड खराब कर दिया यार, मतलब यही सब चीजें है ना, लैंडस्लाइड वाला एरिया ये। अब जी ओली का डिस्टेंस यहाँ से 117 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे के करीब जीपीएस कह रही है, तो अपन प्लान ये कर रहे हैं कि गोपेश्वर में आज नाइट स्टे कर लेंगे और फिर कल गोपेश्वर से टुवर्ड्स ओली के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कल का रात कहाँ रुकेंगे। फुल कर देना भैया डीजल, ठीक है भैया, डीजल डलवाने के लिए रुके भाई, हाँ ठीक है भैया, 0 है। तो पेट्रोल पंप पे आए, बेसिकली एक बार पिन डाला 2800 रुपये का डीजल हुआ था और अभी भी वही हमारा ही लास्ट डीजल था, तो फिर दो बार उसमें पैसे डेबिट हो गए, चलो भैया एक बार चेक कर लेंगे फिर पता चल जाएगा। ये देखो ये दो है ना 2800, ये दो दिख रहा है, ये 2800 फिर एक बार 2800,
दो बार क्रेडिट हुआ है, दो बार। चलो जी, भैया ने 2500 रुपये में वापस कर दिए, बिल निकाला, ट्रांजैक्शन पता चल गया। अब यहाँ से अपन होटल देखते कहाँ पे बुक करते हैं। तो टाइम ऑलमोस्ट 7:30 हो गए, यहाँ पे एक रास्ते में ढाबा दिखा हमें, तो यहाँ पे रुक गए। वेज नॉन वेज दोनों है, गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे, यहाँ भी पेट्रोल पंप है। अब यहाँ पे कुछ खाना खाएंगे। ओ बेटा देख कैसे सो रहे हैं ना, तो कुछ खाना खाते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी तक देखते हैं, कहीं पे रुकने का प्लान नहीं है। हाथ धोना है ना, एक बार चाबी देगा भाई, एक फ़ोन मेरा अंदर रह गया ना। ये तो मज़ेदार लग रहा है, चिकन रोटी। आज आज जो सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं ना, ब्रेकफास्ट के बाद जो मैगी सिर्फ खाए, पेट भर जाएगा भाई। हाँ एकदम एकदम, अरे हाय बहुत जबर गुरु, बहुत। तो भाई होटल फाइनली हमें मिल गया है, गाड़ी हमने पार्क कर दी अपनी, यहाँ पे रुक रहे हैं आज। तो होटल हॉलिडे होम, तो चलते हैं सामान लेके सबसे पहले ऊपर। सो ये है जी हमारा रूम, सब दे दिया, ठीक है, टॉवल दे दिया, सोप दे दिया, परफेक्ट भैया परफेक्ट। और ये है जी वॉशरूम, पिलो, हाँ पिलो 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 भी चाहिए, पिलो भी चाहिए भैया, हाँ दो पिलो दे देना। और यहाँ से व्यू है ऐसा कुछ। मैं तो फिलहाल डेटा वेटा ट्रांसफर वाला काम कर रहा हूँ, बिकॉज कल रात में लाइट नहीं थी ना, कल हम कैंप में रुके थे तो लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे पावर सॉकेट वगैरह नहीं था, तो अभी सारा डेटा वगैरह ट्रांसफर कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो आना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन।